हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पाइलर मशीन से सोयाबीन का वेल कैसे निकालते हैं। ये मशीन सरसम का भी निकाल सकता है, सोयाबीन का भी निकाल सकता है, मूंगफली का भी निकाल सकता है। सिर्फ उसका सेटिंग चेंज करना होता है। तो आइए आगे आपको हम दिखाते हैं मशीन का प्रोसेस। ये हमारा स्टार्टर पैनल है जो आप देख रहे हैं। ये स्टार्टर पैनल हो गया। आपको यहाँ से मशीन ऑपरेट किया जाता है। और ये सोयाबीन है। ये देखिए आप, सोयाबीन हो गया। और आगे दिखाते हैं आपको उसका प्रोसेस कैसा होता है। ये अभी कन्वेयर लगा हुआ है, पूरा बराबर नहीं हुआ है कन्वेयर का काम। इसके लिए अभी मैनुअल चल रहा है। आगे दिखाता हूँ आपको ये प्रोसेसिंग कैसा होता है। ये अभी मैनुअली होता है कि जैसे ये बैग लाया और ये बैग लेके आएगा इधर से। और ये यहाँ पे डंप करेगा। एक कटिंग पॉइंट है, जाल लगा रखा है कि कोई कचरा वगैरह जो आए तो उसमें अभी हो जाता है। इसका सारा प्रोसेसिंग यूनिट अभी इधर लगा हुआ है। ये आप आगे देखिए, ये सारा प्रोसेसिंग यूनिट है। लेकिन अभी ये ट्रायल चल रहा है, इसके कारण से अभी ये ऐसा हो रहा है। बाद में पूरा सिस्टोमेटिक से चलेगा, फिर मैं आपको दोबारा वीडियो बना के डालेंगे उसमें अच्छा से। अभी जो स्पाइलर का प्रोसेसिंग है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना स्पाइलर थे, ये अभी इधर से ये जा रहा है सोयाबीन। ये जाने के बाद ये आगे से निकलता है एलिवेटर के सहारे। ये सारे एलिवेटरों के सहारे जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर में ये अभी कैसे स्टोर हो रहा है, वहाँ से कैसे यूज होता है। ये मैं आपको स्टोर दिखा रहा हूँ, ऊपर में स्टोर कैसे होता है अभी। ये अभी सोयाबीन का स्टोर हो रहा है यहाँ से। और ये कन्वेयर के सहारे आता है। ये देखिए, और इधर से आगे चला जाता है कल। और ये तैयार कैसे होता है, स्पाइलर को चलता कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। ये देखिए मेरा ये 5 स्पाइलर है, एक अभी बंद पड़ी है। ये अभी इससे प्रोसेसिंग होता है स्पाइलर से। ये देखिए, एक खल इसके सहारे चला जाता है ऊपर। ये आगे चला जाएगा, पहले सारा स्पाइलर को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इधर से देखिए पानी कच्ची खानी का भी बन रहा है। ये दूसरा स्पाइलर चल रहा है। ये देखिए ऑयल भी निकल रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऑयल आ रहा है। और ये दूसरा मशीन को भी दिखा रहे हैं, ये भी मशीन है। इसमें भी देखिए ऑयल परसेंटेज गिर रहा है। सोयाबीन में 20-22% सोयाबीन में तेल पाया जाता है, इसलिए सरसों से कम तेल इसमें आता है। और इसको फीडिंग कैसे करते हैं वो देखिए। ये आगे देखा गया,
सेम प्रोसेस ये आगे वाले मशीन में भी है। सेम प्रोसेस है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये खल कैसे निकलता है। आगे इधर तेल निकलने के बाद तेल इसके सहारे चला जाता है, इधर फिल्टर ये नाली के सहारे जाता है तेल, इधर से तेल जाता है सब, ये आगे स्टोर होता है तेल, ये तेल इसमें स्टोर हो जाता है ताकि उसमें गाद वगैरह आ जाए। ये देखिए तेल जा रहा है, इसमें तेल भरा हुआ है, इधर से पूरा तेल स्टोरेज है, इधर से तेल चला जाएगा, इसके सहारे तेल जाता है, ये तेल सब, ये देखिए एक टंकी में जा रहा है तेल, और इधर से ये टंकी बना हुआ है, और ये फिल्टर प्रोसेस का मशीन है। अगर आपको फिल्टर करना हो तो ये फिल्टर है, इसमें फिल्टर हो जाता है तेल, ठीक है, फिल्टर होके ये इस वाला टैंक में आ जाएगा, और उसके बाद ये मोटर फीडिंग करने के लिए, अगर कहीं शिफ्ट करना हो आपका तेल यहाँ से, तो ये लाइन बना हुआ है, इसके सहारे से आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आगे आपको दिखाते हैं खल का, खल कैसे निकलता है, खल जो स्टोरेज होता है वो खल दिखाते हैं आप, ये देखिए आपको खल का भी दिखा रहे हैं, ये खल भराई हो रहा है सारा, ठीक है, ये देखिए खल भराई हो रहा है यहाँ से, ये खल यूनिट है, खल प्रोसेसिंग होकर यहाँ से खल भरा जाएगा, और यहाँ से फिर ये लोडिंग हो जाता है ये गाड़ी पे, बोरी सिलाई होकर, अभी ये सारा मैनुअल हो रहा है, बाद में ऑटो मशीन ऐड होने वाला है इसके अंदर। अगर हमारा वीडियो में अभी सारा चीज़ समझ में नहीं आया उसके लिए अभी अपना ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा वैसे बना रहे हैं, और इसका सारा प्रोसेसिंग जैसे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करते रहेंगे, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, अभी नया नया वीडियो सब बन रहा है, थोड़ा इसके लिए हो सके तो उतना बेस्ट ना बन सके, ये सब चीज़ तो धीरे धीरे होगा, एक बार तो होता ही नहीं है। ये सारा हमारा स्पाइलर का सेटअप का है, ठीक है, इसका सारा प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, दिखाता हूँ आप, इसमें ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, देख रहे हैं, इसमें फिल्टर वगैरह हो जाएगा, पूरा डस्ट वस्ट जितना है सब छट जाता है उसके सहारे, लेकिन अभी ये पूरा सेटअप चालू नहीं किया है, धीरे धीरे होगा। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, धन्यवाद।